हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है वोटर आईडी के बारे में। तो अगर आपका वोटर आईडी अगर आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो वो कैसे करते हैं, और उसके बाद जो है आपका वोटर आईडी स्लिप विथ फोटो कैसे डाउनलोड करते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है वोटर आईडी के लिए, वोटर हेल्पलाइन करके, तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी हम आगे प्रोसेस करते देखते क्या क्या करना पड़ता है। तो जैसे अभी आप मोबाइल का इंटरफेस देख रहे हैं, यहाँ पे मैं प्ले स्टोर में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हमको ऐप सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन करके। तो आप देख सकते हैं ऐप, ये ऐप को हमको इंस्टॉल करना है। तो ऐप इंस्टॉल होते हैं हमको इसको ओपन करना है, इस ऐप को। जैसे ऐप ओपन होता है तो ये देखिए नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिनका ऐप है, उसके बाद एग्री करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल दोस्तों हमको क्या करना है, अपना वोटर आईडी जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक करना है, और उसके बाद जो है वोटर जो भी वोटर है उनका जो वोटर आईडी स्लिप है उसको डाउनलोड करना है विद फोटो से। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मोबाइल को लिंक। तो मोबाइल को लिंक करने के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ईवीपी करके ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाएंगे, पास एक जो है वो ऑप्शन रहता है मोबाइल लिंक करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम हरियाणा एंड महाराष्ट्र। तो अभी फिलहाल जो है हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम चालू है। तो इसमें क्या क्या होता है जो नीचे दिए है देखिए आप, तो इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले लिंक योर मोबाइल विद ईपीआईसी नंबर टू रिसीव कस्टमाइज सर्विसेज, चेक एंड वेरीफाई योर डिटेल्स, अप्लाई फॉर एनी करेक्शन मॉडिफिकेशन। और जो चौथा है लिंक अप योर फैमिली मेम्बर स्टेइंग टुगेदर, इम्प्रूव द पोलिंग स्टेशन विथ योर फीडबैक। तो यहाँ से जो है इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम से आप जितनी भी इनकी सर्विसेज है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे नीचे दिख रहा है कंटिन्यू का ऑप्शन। जैसे कंटिन्यू करेंगे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद वो मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड करेगा। अभी जो है आपका जो लॉगिन हो चुका है, अभी ये पूछता है सर्च योर नेम, तो नेम सर्च करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सर्च बाय बारकोड, सर्च बाय डिटेल्स एंड सर्च बाय ईपीआईसी नंबर। तो सर्च बाय अगर बारकोड से करते हो तो स्कैन द बारकोड ऑन द वोटर आईडी, जो आपका वोटर आईडी रहता है उसके ऊपर एक बारकोड रहता है, उसको स्कैन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपके डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दिख जाएंगे। इफ़ योर वोटर आईडी कार्ड डज नॉट हैव द बारकोड देन प्लीज सर्च बाय ईपीआईसी नंबर। अगर आपको वोटर आईडी पर बारकोड नहीं है तो आप इसको जो है सर्च बाय डिटेल्स में जाके आपके डिटेल्स दाखिल कर सकते हैं, नहीं तो सर्च बाय ईपीआईसी नंबर कर सकते हैं। सर्च बाय डिटेल्स में आपको क्या क्या फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम, फादर्स नेम, एज, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी आपका है, उसके बाद सर्च करना है। उसके बाद जो है आपका वोटर आईडी के डिटेल्स आपको सर्च हो जाएंगे। अगर आपको ईपीआईसी नंबर से करना है तो सिंपली अगर ईपीआईसी नंबर जो है वो आपके वोटर आईडी पर रहता है वो आपको यहाँ पर डालना है, और उसके बाद सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते तो उसके बाद जो है आपको आपके जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपके जितने भी डिटेल्स है आपके वोटिंग के वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो उसके नीचे जो है यहाँ पे इट्स मी का ऑप्शन है, तो आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप इट्स मी करोगे तो यहाँ पे पूछता है डू यू वॉन्ट टू लिंक योर मोबाइल नंबर विद ईपीआईसी, तो आपको यस करना है। तो जैसे यस करोगे योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंकेड विद द योर ईपीआईसी, तो ओके करना है इसके बाद। जैसे आप ओके करोगे तो उसके बाद जो है आपको आपका फोटो कार्ड वाला वोटर आईडी जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे डिटेल जो है वो वोटर के दिख जाते हैं। यहाँ पे एक नोट भी दिया है, क्लिक ऑन पेंसिल आइकॉन टू मॉडिफाई योर डिटेल्स। अगर आपको कुछ भी डिटेल्स मॉडिफाई करना है, आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका एज या आपके एड्रेस वगैरह, तो आप यहाँ से जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसके बाद वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक मॉडिफाई का ऑप्शन है और यहाँ पे एक वेरीफाई का ऑप्शन है। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो हो गया, हमारा हमारा जो मोबाइल नंबर है हमारे वोटर आईडी से रजिस्टर हो गया, लिंक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप है हमको अपने फ़ोटो आईडी जो भी अपना फ़ोटो वोटर आईडी का जो स्लिप है वो डाउनलोड करना है, वो कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपली हमको एक्सप्लोर में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल वॉलेट पे जाना है। जैसे पर्सनल वॉलेट पे जाओगे तो यहाँ पे जो है आपका
अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिंक है तो आपको यहाँ पे जो है फोटो कार्ड आईडी वाला वोटर स्लिप जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पूरी तरह से आपको दिख रहा है सामने अभी। और उसके बाद जो है आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ईवीपी का आइकॉन दिख रहा है जो कि है इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम, जो है हरियाणा एंड महाराष्ट्र में चल रहा है। जैसे आपके स्टेट का यहाँ पे नाम आता है तो आप जाके जो अभी प्रोसेस आपको बताया उससे कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से वोटर आईडी इस ऐप से लिंक है तो आपको डायरेक्ट से एक्सप्लोर में जाके पर्सनल वॉलेट में जाके आपको जो है आपका वोटर आईडी फोटो कार्ड वाला स्लिप मिल जाएगा। तो कुछ भी दिक्कत नहीं इस ऑप्शन में। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।